हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पे। और मैं हूं दीपक झा। आप लोग इंतजार हो चुका है खत्म, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स है, आप लोग का इंतजार हुआ खत्म। क्योंकि हम कल आपको बता दिए थे जो मेरा फ्री ऑनलाइन क्लास जो चल रहा था 4 से लेकर के 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स का, वो क्लास अब खत्म हो चुका है और आप लोग का क्लास आज से शुरू हो चुका है। और आप लोग भी सभी से इंतजार कर रहे थे कि सर कब लीजिएगा क्लास 9th का और 10th का। बहुत सारा कमेंट आया था, उस कमेंट को पढ़ करके फिर हम आज चालू कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स है जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ था, जो 9th और 10th का स्टूडेंट्स, वो भाग चुका था दूसरे चैनल पर, तो अब फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो चालू कर दिए। आपका क्लास पर डे मिलेगा, साइंस के खास कर तो ज़्यादा मिलेगा, उस पर मैथ तो चालू करना ही है। लेकिन फिलहाल अभी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लाए हैं, तो इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ कि जो छोटे बच्चे का जो क्लास चल रहा था, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भाग लेकर के टॉप 10 में आया। टॉप 10 बहुत सारे स्टूडेंट्स छट भी गया। वो आप बाद में कमेंट करके कहा कि सर मेरा क्या हुआ, मैं क्यों नहीं आया। मैंने उसको रीजन बताया कि देखो यार, तो तुम स्टडी ठीक से नहीं कर रहा था, दूसरा कि रेगुलर क्लास अटेंड नहीं किया। मैं बार बार हर वीडियो में कहता था कि क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, क्योंकि आप रेगुलर अटेंड कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। मुझे ये देखना था कि जो बच्चा जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। अगर अच्छा खासा प्रेजेंटेशन रहेगा तो उस हिसाब से मैं जो पढ़ाई किया, उस जो मेरे पास जो कॉपी आया व्हाट्सएप के जरिए, मैं उस क्वेश्चन को देख करके जांच पड़ताल करके टेस्ट करके फिर मैं उसे व्हाट्सएप कर देता था कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। और बच्चा जो चीटिंग करता था गूगल से, उसको फिर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मैं उसे क्वेश्चन पूछ लेता था या घर पे जाकर के, लेकिन बच्चा बता देता था, जिससे मुझे उम्मीद हो जाती थी कि चलो बच्चा स्टडी किया है, समझ गए मेरी बात को। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हम लाए ना, बार बार हम बह कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना, कहीं जाना नहीं। और अपने साथ नोट कॉपी जो रख रहे हो, ये रखने का काम अवश्य करना है, क्योंकि उतारना है क्वेश्चन को और पूरे रिविजन के साथ, मेहनत के साथ, स्ट्रगल करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। अगर एग्जाम होता है तो इस एग्जाम में आपका रिजल्ट सबसे बेटर होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, ये उम्मीद के साथ पढ़ाई कीजिए। एक चुनून मैं बार बार कहता हूँ ना, देखिए एक्चुअली मैं बहुत दिनों से मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में ही थोड़ा सा मोटिवेट जरूर कर देता हूँ। पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अगर आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट कहीं खराब होगा, कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि बेफिक्र होकर के आप पढ़ाई कीजिए, एक रूटीन तैयार करते हुए, ठीक है, पढ़ाई को कीजिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे सिर्फ पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपके पास बुक भी होगा, उसको रिवाइज कीजिए, उसको स्टडी कीजिए। और जो हम पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो दे रहे हैं आपके लिए, उस वीडियो को बार बार देख करके आप सीखिए। या अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो नोट आप करते ही हैं, उस नोट कॉपी को जो बना लिए तो थोड़ा पढ़ाई कीजिए, उसको याद कीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, देखिए आपका क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश है वो लाल रंग का ही क्यों होता है। तो मैं बता दूं, आप पढ़े भी होंगे, ये समझिए सबसे पहली बात कि जो लाल रंग जो होता है, यानी लाल रंग का जो प्रकाश है, उसका जो तरंग दैर्ध्य जो है, जो क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि अधिक होता है तरंग दैर्ध्य लाल रंग का, समझ में आ रहा है। जिसके कारण धुआं में या कहीं कुहास वहास लग जाती तो उसमें लाल रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन कम होगा। इसके कारण क्या होगा कि दूर से ही चालू होने का सिग्नल, जो सिग्नल उसका चालू होने का पता चल जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम हुआ, अस्पष्ट तो शो कर ही रहा है, जिसके कारण दूर से ही कोई अगर बंदा देखेगा तो कहेगा कि भाई चालू अवस्था में इसका सिग्नल है, दिख रहा है, समझ गया ना। तो कारण यही है कि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है और प्रकीर्णन इसका क्या होता है, चाहे धुआं रहे या कुहासा रहे, प्रकीर्णन इसका कम होता है। इस स्थिति में क्या हो जाती है कि दूर से कोई अगर व्यक्ति देख लेगा तो उसको ये पता चल जाता है कि सिग्नल जो है सो क्या है, चालू अवस्था में है। आप समझ रहे हैं, इसलिए देखिए इसमें आपको दिखाई देता होगा, गौर से समझिए बात को, जो हमारा जो सिग्नल है वो क्या है, लाल रंग। अब ट्रेन वहां पर चल रही, ट्रेन तो है लाल कलर, तो आप समझते हैं कि लाल का एक अलग अर्थ होता है, समझ रहे हैं ना। मैं कलर अभी आपको बताऊंगा ना कि लाल कलर का अर्थ क्या होता है, और पीला और ग्रीन। रेलवे में देखिएगा तीन कलर आपको दिखाई देगा, येल्लो, ग्रीन और रेड, तो तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ रेड कलर का, जो कि रेड कलर आप देख रहे हैं सिग्नल में लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं ट्रेन आ रही है या ट्रेन रुकी, तो ट्रेन रुकने का संकेत होता है रेड का, क्योंकि रेड आपको पता है कि डेंजर जोन में आता है ना। और येल्लो जो होता है वो रेडी अवस्था में होता है, और जो हमारा जो यहाँ पे ग्रीन, अगर रेलवे में अगर आपको ग्रीन कलर आपको दिखाई देता होगा तो समझिए कि सिग्नल पूरा पूरा मिल रहा है और ट्रेन रनिंग अवस्था में रहेगा, रुकी हुई अवस्था में नहीं रहती। जब रेड होती है तब जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है,
समझ में आ गया ना। तो सीधी सी बात था, एक छोटा सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जो आंसर था वो यही था कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, उसके फलतः कुहा हो या कुहासा हो या धुआं, कोई भी स्थिति में लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण स्पष्ट, दूर से ही स्पष्ट ये दिखाई देती है कि सिग्नल क्या है, चालू अवस्था में होता है, इसलिए उसका प्रकाश जो है वो लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वीडियो में बने जरूर रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, जो दृष्टि दोष है वो क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी प्रतिबिंब, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं पड़ता है, तो समझ जाइएगा कि क्या है, ये एक दोष है, ठीक है, यह एक दृष्टि दोष है जो आप में लग गई है या दृष्टि दोष से पीड़ित हो चुका है व्यक्ति। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बना तो आप में दृष्टि दोष है और आप दृष्टि दोष से पीड़ित हो चुके हैं। इसके प्रकार भी होता है, तीन प्रकार होता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है अभिमुखता। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष ये आप जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से बहुत व्यक्ति पीड़ित हो चुके हुए रहते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है कि इस दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु आपको अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो आप समझ जाइए कि हमको क्या है, निकट दृष्टि दोष हो चुका है। ठीक है, दूसरा समझिए कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो आप समझ जाइए कि हमको क्या है, दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का अगर हम निवारण करेंगे तो उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है मैं बताता हूँ, अवतल लेंस का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें उसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो उसमें उसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ गए, दोनों कारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष में जो हमारे आंख का जो रेटिना है उसका कॉम्बिनेशन होता है कि वस्तु कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है या अनंत पर बन रहा है, वस्तु छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, ये बात थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो रेटिना के ऊपर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो डिपेंड करता है, और इसी कारण से क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति में हो जाती है, यही कारण है दृष्टि दोष का, चाहे निकट हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो। अब बात करते हैं अभिमुखता की, ये तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसको समझिए। ठीक है, कि अभिमुखता क्या होता है ना, तो इसको समझिए सबसे पहली बात कि अभिमुखता है क्या चीज और ये कैसे होता है। ठीक है, तो आंख के जो लेंस है उसमें सममिति के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो एक न बनकर कई सारा बन जाता है, यानी बहुत सारा बन जाता है, अब जिससे क्या होता है कि कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, अब दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, यही अभिमुखता होगा। समझ में आ गया ना, यानी किसी भी एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है एक न बनकर बहुत सारा बन जाता है, कई सारा बन जाता है, अब जिससे बहुत सारा बन जाएगा तो क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ही नहीं, यही होता है आपको अभिमुखता, इसी को हम कहेंगे। ठीक है, और उसमें समझने के ऐसे ना कैसे अंदाजा ब्लाइंड व्यक्ति ऐसे करता है पता ही नहीं चलता, जो अंधा व्यक्ति होता है, तो ये सब चीज़ होने लगता है, ये हुआ अभिमुखता। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका था रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है क्यों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। और दूसरा क्वेश्चन था दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है तथा इसे कितने प्रकार है, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन ये समझाया और पहला क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चन को समझ जरूर गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे पता है ना क्या है, लाइक तो करना ही है, कमेंट प्रॉब्लम होने पर करना है, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा, और आसानी से सरल भाषा में आपको बोल करके समझा दूंगा ताकि आपके भेजा में सारा क्वेश्चन का आंसर अंदर चल जाए। ठीक है, और अगर अंदर चल गया ना तो फिर आपको एग्जाम में बैठ गए हो, क्वेश्चन पूछ दिया तो आसानी से क्या कर पाओगे, लिख पाओगे और अच्छा खासा रिजल्ट ला पाओगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक बाय बाय, जय हिंद जय।